इतिहास की आप गल की थी बाबा रामदेव जी भी चुगली करता रहा सारी जिंदगी करता रहा। हूँ आप अगली शायद गल जो भी परमात्मा का उल्टा सहारा ले लैंदा जी वह फिर चढ़ती कला बच्चे रहा। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 साल दी थी 1675 जदों पहाड़ी राजे आए सन भी साढ़े जनेऊ की रक्षा करो। रंगदेव बादशाह जनेऊ लाना शुरू करता सी ते फिर कृपा राम पंडित सी मुखी उन्होंने कृपा राम पंडित पहुंचे बुला लैके उसका गुरु तेग बहादुर ने यह कहा सिंधी पंडितों भी तुम रंगदेव बादशाह यह कह दौ जेकर नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ता इस्लाम धर्म कबूल कर लैन तो असी सारे ही कश्मीरी पंडित इस्लाम धर्म कबूल करने तैयार हैं। कश्मीरी पंडित ने एक तो चिट्ठी लिखी जी पहला फिर रंगदेव बादशाह भी कह दिया लो चिट्ठी सैन करते असी जी नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ता इस्लाम धर्म कबूल करते सारे तैयार हैं। देखो कश्मीरी पंडित ने गुरु तेग बहादुर पर कि भरोसा किया असं अच्छ भरोसा करते हैं असं सकिया अमृत जात प्राप्त की अच्छ उन्होंने तो कहता से रंगदेव बादशाह ने जी नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ता इस्लाम धर्म कबूल कर लैन फिर सारे तैयार हैं। आप गल की बादशाह दे गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह की उम्र 1675 सिर्फ 9 साल की थी। बाई तक राजे पहाड़ी राजे बैरी बन चुके आ ते औरंगजेब बादशाह बैरी बने हुए अपन सानू पता जी जो पहला युद्ध होया 1687 के उस समय अजे खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी सानू अपन पता ते पहला योद्धा सब तो बड़ा योद्धा पहले युद्ध बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ने जित्तां प्राप्त कीतियां सानू पता अपन उस तो बाद खालसा की स्थापना भी हुई। हुण आपां गल करिए भी जो किला है आनंदगढ़ का गुरु जी 1699 तो लैके 1704 तक रहे तकरीबन 16 साल रहे उस किले को 7 महीने का घेरा पाई रखा रंगजीत बादशाह दी फौजा ने या पहाड़ी राजिया ने उस किले में रह के सिंघा ने शक भी खाधे पत्ते भी खाधे गुजारा किया 7 महीने पर भाने में रहे। उस तो बाद सोचा रंगजीत बादशाह ने सिपाहियों ने भी जेकर असी गिरफ्तार गुरु जी नहीं कर सकते फिर उस तो बाद जो औरंगजेब बादशाह ने कुछ सिपाही भेजे सन कुरान शरीफ के कुछ शब्द ला रख के लैके आए कथाल दे विच भी असी कसम खाने जां रपाई बाई तां दे राजे ने गौं कसम खाधियां भी जो एक बार तुसीं आनंदगढ़ साहब का किला छड्ड दिओ ते असी कसम खाने। इस करके बादशाह दरबेश गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर 6 पोह नूं 1704 दे विच जो किला आनंदगढ़ साहब का छड्डिया सी सानूं पता उस तो बाद गुरु जी सिंघ भी सन नाल माता गुजर कौर माता साहिब कौर माता सुंदर कौर पंजे प्यारे चारे साहिबजादे उत्थे चले कहिंदे बादशाह दरबेश गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ मिंट कीरतपुर साहब रुके गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद साहब काफ़ी समा गुरु हरगोबिंद साहब गुरु हर साहब काफ़ी समा कीरतपुर साहब रहे उसे नमस्कार किया उस तो अगे चले अगे अपन सारों पता जी सरसा बहुत चढ़ी थी चढ़ी होने करके एक पास तो जंग हो रही थी कुछ सिंह भी शहीद होए उरे भाई उदय सिंह भी शहीद होया तो एक पास गुरु जी ने अमृत वेले आसा की वार का
कीर्तन सानू पता है नितनेम के पाठ से जाफर ही बाग के पाठ के नागा निशमैन का एक पास जंग हो रही थी एक पास गुरु जी ने सिंघा नाल फिर कीर्तन भी किया जी आखिरी बार का उस सू पता ही इस स्थान को वैसे भाई हरपाल सिंह ने यह विचार किए सन जी भी गुरद्वारा उच्चा खड़ा बनाया है रोपड़ के हरपाल सिंह जो कथा वाले फतेहगढ़ साहब उन्होंने विचार नहीं किया कर रहे हैं भी माता साहब कौर ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਉੱਚ ਖੇੜੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ